माँ को प्रणाम करेंगे सब लोग। आप कुंडलिनी उठाकर बंधन लेंगे। कुंडलिनी कैसे उठाते हैं, एक एक देवी देवता को उठाते हुए कुंडलिनी को उठाएंगे। पहले गणेश भगवान, फिर गौरी कुंडलिनी माँ, ब्रह्मदेव सरस्वती, लक्ष्मी नारायण, माँ जगदम्बा, राधा कृष्ण, जीजस मेरी, महावीर बुद्ध, विराट और सहस्त्रार में सारे देवी देवता, 1 2 3 4 5 6 7 एक गठान। फिर दूसरी बार उठाएंगे गणेश भगवान, गौरी कुंडलिनी माँ, ब्रह्मदेव सरस्वती, लक्ष्मी नारायण, माँ जगदम्बा, शिव पार्वती, सीताराम देवता, राधा कृष्ण, जीजस मेरी, महावीर बुद्ध, विराट और सहस्त्रार में सारे देवी देवता, 1 2 3 4 5 6 7 एक गठान, 1 2 3 4 5 6 7 दो गठान। फिर तीसरी बार उठाएंगे गणेश भगवान, गौरी कुंडलिनी माँ, ब्रह्मदेव सरस्वती, लक्ष्मी नारायण, माँ जगदम्बा, शिव पार्वती, सीताराम देवता, राधा कृष्ण, जीजस मेरी, महावीर बुद्ध, विराट और सहस्त्रार में सारे देवी देवता, 1 2 3 4 5 6 7 एक गठान, 1 2 3 4 5 6 7 दो गठान, 1 2 3 4 5 6 7 तीन गठान। फिर सारे देवी देवताओं की शक्तियों को हम अपने चारों ओर फैलाएंगे। तो पहले गणेश भगवान और गौरी कुंडलिनी माँ की शक्ति को फैलाएंगे, फिर ब्रह्मदेव सरस्वती की शक्ति को फैलाएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण की शक्ति को फैलाएंगे, फिर माँ जगदम्बा की शक्ति को फैलाएंगे, फिर राधा कृष्ण की शक्ति को फैलाएंगे, फिर माँ जगदम्बा सॉरी जीजस मेरी विराट की शक्ति को फैलाएंगे और सहस्रार में सारे देवी देवताओं की शक्ति को फैलाएंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, जय श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही हमसे करा लीजिए। माँ आप जैसा चाहती हैं वैसा हमें बना दीजिए। माँ हम अपने अंदर बैठे हुए सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद को आज अनुभव करना चाहते हैं, उनकी कृपा का पात्र बनना चाहते हैं। माँ हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए, हमारी आत्मा का परमात्मा से आज साक्षात्कार करवा दीजिए। दोनों हाथ गोद में रखेंगे, दाहिना हाथ धरती पर। माँ से प्रार्थना, जय श्री माता जी, हमारे बाएं अंकीर्ण नाड़ी में बैठे हुए महाकाली महाभैरव की शक्ति को जागृत कर दीजिए। हे महाकाली, हे महाभैरव, हमारे बाएं अंकीर्ण नाड़ी में जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, भूतकाल की जितनी भी बातें हैं, कोई नज़र दोष हो, कोई जादू टोना किया गया हो, किसी को एनीमिया की प्रॉब्लम हो, किसी को आलस्य पर निराशा डिप्रेशन हार्ट की समस्या हो, सब को निकाल कर धरती तत्व में विलीन कर दीजिए। महसूस करेंगे जो हाथ धरती में रखा हुआ है उसमें महाकाली महाभैरव हमारे सारी बाधाओं को समस्याओं को धरती में खींच रहे हैं। धरती में कुछ जाता हुआ, कुछ खींचता हुआ, कुछ निकलता हुआ, हाथ गोद में, बाएं हाथ कोने से मुड़ के आकाश की ओर। माँ से प्रार्थना, जय श्री माता जी, हमारे दाहिने अंग की पिंगला नाड़ी में बैठे हुए महा सरस्वती महा हनुमान जी की शक्ति को जागृत कर दीजिए। जय श्री माता जी, हमारे दाहिने अंग की नाड़ी में महा सरस्वती महा हनुमान जी की शक्ति को जागृत कर दीजिए। हमारे दाहिने अंग की नाड़ी में जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, चिंताएं हैं, अति विचार है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, किसी को हाई बीपी, हाई शुगर, हार्ट की, कंधे में दर्द, गले में दर्द, सर्वाइकल की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, सबको निकाल कर आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। हे महा सरस्वती, हे महा हनुमान जी, हमारी सारी बाधाओं को आकाश में विलीन कर दीजिए। महसूस करेंगे जो हाथ आकाश में है उसकी उंगलियों के किनारे किनारे से आकाश में कुछ जाता हुआ, कुछ खींचता हुआ, कुछ निकलता हुआ। हनुमान जी हमारी सारी समस्याओं को आकाश में खींच रहे हैं। दोनों हाथ आजू बाजू धरती पर रखेंगे। माँ से प्रार्थना, जय श्री माता जी, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। माँ हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। माँ हमारे अंदर गणेश भगवान और महालक्ष्मी की शक्ति को जागृत कर दीजिए।
हे गणेश भगवान, हे महालक्ष्मी, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। तराजू के दोनों पलड़े बराबर, सिर के ऊपर कांटा, वैसे ही अपना स्थिति को महसूस करेंगे पूर्ण संतुलन अवस्था में। यहाँ पर हम गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे गणेश भगवान, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए, हमारे अंदर भोलापन भर दीजिए, हमें ज्ञान बुद्धि और समझ से भर दीजिए, हमारे अंदर पवित्रता भर दीजिए। हाथ गोद में, अब दाहिना हाथ बाएं तरफ का पेट और जांघ जहाँ जुड़ा रहता है वहाँ पर रखेंगे। माँ से प्रार्थना, जय श्री माता जी। आज हम अपने अंदर बैठे हुए सारे देवी देवताओं की शक्तियों को, उनके आशीर्वादों को अनुभव करना चाहते हैं। माँ उसके लिए हमें शुद्ध इच्छा दीजिए। माँ जिस ज्ञान को आप हमें देना चाहती हैं उसके लिए हमें शुद्ध विद्या दीजिए, निर्मल विद्या दीजिए। बाएं हाथ की हथेली पर महसूस करेंगे, यदि माँ ने हमारी प्रार्थना को सुना है तो हाथों पर ठंडा ठंडा आता है। इसी हाथ को बाएं पेट पर रखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो थोड़ा सा कट कर देंगे, लोड नहीं होता ना। बाएं पेट पर रखेंगे, जहाँ पर गुरु का स्थान है, भव सागर में हमारे सभी गुरुओं का स्थान रहता है। अंदर सारे 10 गुरु लोग बैठे हुए हैं, जिसमें राजा जनक, मोजेस, जराधुष्ट, कन्फ्यूशियस, लाओत्से, अब्राहम, गुरु नानक, शिरडी के साईं बाबा, मोहम्मद पैगंबर, ऐसे करके हर जाति हर धर्म में जो 10 आदि गुरु हुए हैं पूरे संसार में, उनका स्थान यहाँ पर है। तो हमारे हिंदुओं में जो ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हैं, आदि गुरु दत्तात्रेय का स्थान यहाँ पर है। माँ से प्रार्थना, जय श्री माता जी। आदि गुरु दत्तात्रेय की शक्ति को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए। माँ आप जो सहज योग का ज्ञान हमें देना चाहती हैं उसके लिए हमें स्वयं का गुरु बना दीजिए। माँ आपकी कृपा से हम स्वयं के गुरु हैं। माँ आपकी कृपा से हम स्वयं के गुरु हैं। जो हाथ है हमारा बीचों बीच नाभि पर लाएंगे। जिसको भी घुटनों में दर्द, कमर दर्द, जोड़ जोड़ में दर्द रहता है, वो नाभि चक्र की खराबी के कारण होता है। यहाँ पर हम लोग आह्वान करेंगे लक्ष्मी नारायण का। जय श्री माता जी, हमारे अंदर लक्ष्मी नारायण की शक्ति को जागृत कर दीजिए। माँ हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व को जागृत कर दीजिए। माँ हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। माँ हमें समाधानी बना दीजिए, ताकि हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान सरलता से निकाल सकें। माँ जिसके भी घर में आर्थिक समस्या है उसे आप ही दूर करिए। माँ नाभि चक्र के कारण जिसको भी जोड़ जोड़ में दर्द है उसे आप ही ठीक करिए। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। आदि गुरु दत्तात्रेय का मंत्र लेंगे, पूरा चित्त भव सागर पर रखेंगे, जो पूरा पेट हमारा गोल है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेय, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। जिसको भी जोड़ जोड़ में दर्द है या घर में जो आर्थिक समस्या है, 7 बार हाथ को पेट में ऐसे घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और घुमा के धरती में फेंक देंगे। फिर एक बार घुमाएंगे और धरती में फेंक देंगे। फिर एक बार घुमाएंगे और धरती में फेंक देंगे। अब दाहिना हाथ बाएं हृदय पर रखेंगे। माँ से प्रार्थना, जय श्री माता जी। हम शुद्ध और पवित्र आत्मा है। माँ हम शुद्ध और पवित्र आत्मा है। माँ हम महादेव के सामने बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तो महादेव भगवान का एक मंत्र लेंगे, जिसको सुनने से कभी हार्ट अटैक नहीं आता है। कर चरण कृतम वाक्य जम कर्म जम वा
श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। हे करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे महादेव भगवान, आत्मा के विरोध में हमसे यदि कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। और अब दाहिना हाथ बाएं कंधे पर रखेंगे। किसी को कंधों में दर्द रहता है, यहाँ पर ललिता चक्र स्वामिनी का मंत्र लेते हैं हम लोग। ओम तमेव साक्षात् श्री ललिता चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब बाया हाथ दाहिने कंधे पर रखेंगे, दबा के रखेंगे थोड़ा सा। और यहाँ कंधे में दर्द होता है या किसी को सर्वाइकल गर्दन का दर्द है, उसके लिए मंत्र लेंगे श्री श्री चक्र स्वामिनी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री श्री चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हाथ गोदी आप दाया हाथ से बाएं गर्दन को पकड़ेंगे, चेहरा दाहिने ओर घुमा लेंगे। विष्णु माया का स्थान है यहाँ पर। यदि किसी का भाई बहन से रिश्ता अच्छा नहीं रहता है तो इस चक्र पर ध्यान करने से भाई बहन के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। माँ से प्रार्थना। जय श्री माता जी, हम निर्दोष हैं माँ, हम दोषी नहीं हैं माँ, हम आत्मा हैं इसलिए हम दोषी नहीं हैं माँ, हम निर्दोष हैं। किसी बाएं हाथ को दाहिने गर्दन को पकड़ेंगे, विट्ठल रुक्मणी का स्थान है यहाँ पर। यदि पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं तो विट्ठल रुक्मणी का मंत्र लेने से, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान विट्ठल रूप में रुक्मणी के साथ पति पत्नी के रूप में थे, उनका मंत्र लेने से पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होते हैं। मंत्र लेंगे विट्ठल रुक्मणी का। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विट्ठल रुक्मणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों तरफ से दबा देंगे, चेहरा धरती की ओर। माँ से प्रार्थना। जय श्री माता जी, आपकी कृपा से हमने सब को क्षमा किया। माँ, जिन लोगों ने हमें तकलीफ दी है, जिन्होंने हमारा दिल दुखाया है, उन सब को हमने क्षमा किया। यहाँ पर दो अक्षर का मंत्र है, हम क्षम। दो बार बोलेंगे हम क्षम, हम क्षम। इस मंत्र को लेने से हमारे अंदर सभी को क्षमा करने की शक्ति आती है। हाथ को सिर के पीछे रखेंगे, चेहरा आकाश की ओर। माँ से प्रार्थना। जय श्री माता जी, परमात्मा की इच्छा के खिलाफ जीवन में हमसे जाने अनजाने में यदि कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें, माँ हमें क्षमा करें। अब उंगलियाँ अलग अलग तान लेंगे, बीचों बीच रखेंगे सिर के ऊपर, सात बार घड़ी की सुई की तरह घुमाएंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे। हे गणेश भगवान, हे कार्तिकेय देवता, आप हमारे अंदर जागृत हो जाइए। हे गणेश भगवान, हे कार्तिकेय देवता, आप तो गौरी माँ के पुत्र हैं, आप गौरी माँ को जागृत करने में हमारी मदद करिए। हे गौरी माँ, आप कुंडलिनी के रूप में हमारे अंदर बरसों से सोई हुई हैं, आप जागृत हो जाइए। हे गौरी कुंडलिनी माँ, आप ही के अंदर हमारे इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और सारे देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। माँ आप जागृत हो जाइए और हमारे तीनों नाड़ियों, सातों चक्रों में बैठे हुए सभी देवी देवताओं को जागृत करके हमारे शस्त्रार में आइए और हमारी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार करा दीजिए। हाथ को हल्का सा दबाएंगे, महसूस करेंगे अंदर में कुछ धड़कन सा। सारे देवी देवता आपके शस्त्रार पर आ गए हैं, उनके सम्मान में सिर को हल्का सा झुका लेंगे, महसूस करेंगे कुछ धड़कन सा। कुंडलिनी माँ हमारे शस्त्रार में आ गई हैं और हाथ को धीरे से एक दो इंच ऊपर उठाएंगे, देखेंगे अंदर से ठंडी या गर्म हवा क्या आ रही है। धीरे धीरे हाथ को और ऊपर उठाते जाएंगे जहाँ तक महसूस होगा और हाथ को धीरे से गोद में ले आएंगे। आँखें बंद रहेंगी, जहाँ पर आपने हाथ रखा था वहाँ पर महसूस करेंगे कि क्या हो रहा है। ध्यान करेंगे क्या हो रहा है। शिव भगवान अपनी जटा से गंगा नदी को जैसे धरती पर लाए थे, वैसे ही सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद गंगा नदी की तरह झरने के रूप में हमारे सिर पर बहता हुआ महसूस करेंगे।
बहते बहते आने देंगे आँखों की पलकों पर, पूरे चेहरे पर आराम से धीरे धीरे बहते हुए महसूस करेंगे। आने देंगे दोनों कंधों पर, कंधों से बहते बहते कोहनी तक, कोहनी से बहते बहते हाथ की कलाई तक, हाथ की हथेली में, उंगलियों में, उंगलियों के किनारे किनारे पर। जब पानी बहता हुआ किनारे पर आता है तो कैसे महसूस होता है वैसे महसूस करेंगे। हथेली के बीचों बीच बहने देंगे पूरे शरीर में, शरीर से बहते हुए दोनों जांघों पर, घुटनों पर, पिंडलियों में, पैरों में, पैरों की उंगलियों में। ये जो परम चैतन्य है ये जानता है कि आपके शरीर में कहाँ पर तकलीफ है, वहाँ पर जाकर उस चक्र को ठीक करता है। तो आप सब लोग सिर से लेकर पैर तक अपने अंदर हर नस नाड़ी में बहते हुए महसूस करेंगे। यहाँ पर भी दर्द है वहाँ पर परम चैतन्य को निवेदन करेंगे कि मेरे शरीर में यहाँ तकलीफ है, आप उसे ठीक करिए। इसी परम चैतन्य को महसूस करते हुए माँ से प्रार्थना करेंगे। जय श्री माता जी। हमारे अंदर जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, चिंता है, अति विचार है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, हमारे घर परिवार में जो भी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक समस्या है, सबको निकालकर धरती में विलीन कर दीजिए। तीन बार धरती में फेंक देंगे, फिर एक बार जय श्री माता जी। हमारे अंदर जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, चिंता है, अति विचार है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, घर परिवार में जो भी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक समस्या है, सबको निकालकर धरती में विलीन कर दीजिए। अब दोनों हाथ हृदय स्थल पर उठाएंगे, आंखें बंद करके महसूस करेंगे दोनों हाथों में क्या हो रहा है। माँ हमारी प्रार्थनाओं को सुनती है तो परम चैतन्य बढ़ जाता है। इसी परम चैतन्य को महसूस करते हुए सिर से लेकर पैर तक जहाँ पर भी तकलीफ है पूरे शरीर में स्पर्श करके धरती में छोड़ देंगे। अब सारी बाधाएं निकल चुकी हैं। अब दोनों हाथों पर आप लोग महसूस करेंगे परम चैतन्य बढ़ गया है। और इसी परम चैतन्य को महसूस करते हुए कुंडलिनी उठाकर बंधन लेंगे। माँ की तरफ देखकर माँ को धन्यवाद देंगे। जय श्री माता जी। आज का ध्यान कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री माता जी सबको। जय श्री।